हेलो दोस्तों, आप सभी से बात करेंगे यहाँ पर टाटा केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर दो धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो आपको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर करते हुए नज़र आएंगे और इससे आप कमाई भी यहाँ पर अच्छी खासी कर सकते हैं। आपके पास टाटा केमिकल का शेयर अवेलेबल है या दोस्तों आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा और जो भी यहाँ पर अपडेट्स आते हैं उसका बेनिफिट आप इस कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी एक न्यू अचीवमेंट की तरफ यहाँ पर अपने कदम बढ़ा रही है और उसका फ़ायदा आप निवेश कर अच्छे से ले सकते हैं टाटा केमिकल के अंदर। चलिए देख लेते सभी डिटेल्स, मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक ट्रस्टेबल ग्रुप से आने वाली कंपनी यहाँ पर टाटा केमिकल है और इसके अंदर आज आप देख भी सकते हैं कि एक दिन के अंदर 4.5% का रिटर्न निवेशक को मिला है। 47 रुपीज़ पर शेयर पर बेनिफिट है। 1141 पर अभी ये शेयर चल रहा है। तो अभी बहुत से निवेशक के माइंड में ये आता होगा कि सर ये तो अभी 52 टिक हाई के करीब चल रहा है, तो इसमें हम खरीदारी करें क्या? तो मैं आपको आज से आगे की बात करो, जैसे कि अभी से आप लंबे समय का दाव इस पर खेलने के लिए तैयार हो तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे जो ग्रोथ इसमें दिखाई देने वाली है उसका पार्ट बन सके। क्योंकि देखिए, आप तक आपके पास कोई भी शेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और आपने यहाँ पर ऑलरेडी शेयर खरीद कर रखे हैं टाटा केमिकल के, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूज़ ही उतने पावरफुल आ रहे हैं। अभी देखिए, दिवाली बोनस, जैसे कि 2022 में कुछ यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर ने भी, और मैं आपको बता दूँ बड़े ब्रोकरेज फर्म तरफ से भी यहाँ पर कंपनियों पर दाव लगाया गया है, और ख़ास कर दिवाली स्पेशल की बात करें तो इसके अंदर टाटा केमिकल को इंक्लूड किया गया। टाटा केमिकल के अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट क्यों होगा? देखिए, एक तो अभी सीज़न हुआ है, आपको भी पता है कौन सा सीज़न। देखिए, खरीफ सीज़न के अंदर हमने देखा है कि फर्टिलाइज़र का बिज़नेस अच्छा चलता है और आपको पता है कि इंडिया में बहुत से लोग खेती ही करते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स या प्रेस्टीज वगैरह को यहाँ पर बेचकर इस कंपनी के प्रॉफिट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। आपके माइंड में आएगा कि सर फर्टिलाइज़र का बिज़नेस ही करती है क्या कंपनी टाटा केमिकल? बिल्कुल, रैलीज इंडिया नाम का शेयर इन्हीं का है, इन्हीं की सब्सिडी कंपनी वो है, उसका जितना प्रॉफिट होता है वो सीधा टाटा केमिकल में कंसिडर किया जाता है। टाटा केमिकल में यहाँ पर देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 1600+ के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट किए गए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। कंपनी में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है एंड कंपनी एक तो आगे बढ़कर बहुत कुछ अपना परफॉर्मेंस कर दिखाने के लिए रेडी भी है। आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि टाटा केमिकल के अंदर खासियत क्या है। एक कंपनी बहुत से अलग अलग बिजनेसेस कर दिखाती है, खास कर जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले बात देखिए, ये कंपनी अपना जो बिज़नेस है जैसे कि सोडे से रिलेटेड, उसके अंदर वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस का मतलब समझते हैं आप कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। और एक जो अभी न्यूज़ आई है उसके अंदर मॉर्गन स्टैनली तरफ से, यानी कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म तरफ से भी इसमें अच्छे खासे रिकमेंडेशन वगैरह दिए गए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को और समझने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये आज के अपडेट्स है इसके अंदर जो टाटा केमिकल, उसके बारे में मॉर्गन स्टैनली एक ब्रोकरेज फर्म तरफ से रेटिंग दी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से, और इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा बताया है इम्प्रूवमेंट का, तो आप इसका भी पार्ट बनकर बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तो मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी एक न्यू अचीवमेंट जैसे कि ऊपर परफॉर्मेंस में है, बोल तो आप यहाँ पर टारगेट समझ कर ही चल सकते हैं, 1000 के ऊपर है तब तक आगे ही बढ़ेगा। एंड कंपनी के अंदर डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो मैं आपको बता रहा था कि सोडे से रिलेटेड सोडे के प्राइजेस वगैरह हाई हो रहे हैं, उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। ये कंपनी वेरियस टाइप के बिजनेसेस करती है, सोडा एश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सीमेंट, साल्ट, मरीन केमिकल्स, ऐसे वेरियस टाइप के एग्रोकेमिकल्स जो रैलीस इंडिया के बारे में मैंने मेंशन किया था वो भी, और साथ ही रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ भी काम।
तो ऐसे कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट बिजनेसेस इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे और इसके अंदर आपको जो तेज़ी देखने को मिलेगी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी टाटा केमिकल के बारे में कुछ निवेशक को पता नहीं हो तो उनको अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली कितना बेनिफिट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि टाटा केमिकल इज एन इंडियन ग्लोबल कंपनी विथ इंटरेस्टेड इन केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्पेशलिटी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई इन इंडिया। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन इंडिया विथ ऑपरेशन इन इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। एंड टाटा केमिकल इज अ सब्सिडी ऑफ टाटा ग्रुप। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये इसकी सब्सिडी टाटा केमिकल की रैलिस इंडिया सब्सिडी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ये ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करने वाली यहाँ पर कंपनी है। आप इसके प्रोडक्ट भी जैसे मैंने आपको बताया अब तक वो सभी इसके पास अवेलेबल है। एंड कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर तरीके से चल भी रहा है। आप इसके बिजनेस की रेंज देख सकते हैं, बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा और वैल्यूबल बिजनेस इस कंपनी का है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अभी फंडामेंटल से रिलेटेड भी डिस्कस करें तो टाटा केमिकल में वेटेज काफ़ी अच्छा है। देखिए वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट यानी कि थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश के बिजनेस में आती है। जितने भी यहाँ पर आप ड्रिंक वगैरह देखते हैं सोडे से रिलेटेड, उसमें इसका वेटेज बहुत ही बड़ा है। और बड़ी बात, ये कंपनी के अंदर बहुत कुछ एडवांटेज भी नज़र आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से FIS एंड यहाँ पर DIS का स्टेक है, उसके साथ पब्लिक का भी स्टेक अच्छा खासा ही है एंड गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं टाटा केमिकल का। कंपनी अच्छी है, मैंने टारगेट भी आपको बताए, आगे जाकर कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी का जो यहाँ पर बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। अभी लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। और आपको यहाँ पर बता दूँ इसके जो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।